भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, जहां झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह उड़ी है। इस वक्त की अहम खबर भोपाल से सामने आई, जहां झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह का ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है, जहां रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। इस वक्त की अहम खबर, जहां मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह का पूरा मामला सामने आया है। भोपाल से अहम खबर है, रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया है, मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, हिरासत में अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति भी आ चुका है। तो अहम खबर आपको बता दें, झेलम एक्सप्रेस को रोका गया, हालांकि जैसे ही पता चला कि जिसने अफवाह उड़ाई है उसे गिरफ्त में भी कर लिया गया। तो अहम खबर है भोपाल से, झेलम एक्सप्रेस का यह पूरा मामला, लगातार इस तरह के मामले अभी सुर्खियों में है, जब बम, ये कहा जा रहा है कि जगह जगह बम है, चाहे वो एयरपोर्ट में बम का भी मामला एक बार सामने आया था, और अब झेलम एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला भोपाल से सामने आया, जब किसी ने अफवाह उड़ाई कि उसमें बम है। बम मिलने की धमकी मिली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी कमलापति स्टेशन पे, आप देख सकते हैं जीआरपी के अधिकारी, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ से ट्रेन रवाना हो गई। इससे पहले डॉग स्क्वाड की टीम ने जो है इस ट्रेन की चेकिंग की गई थी, देख सकते हैं लगातार अधिकारियां जो है जीआरपी के वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से सर चेकिंग की गई थी। थाना प्रभारी से पूछो ना, बम से मिलने की धमकी मिली है, अफवाह मिली थी, ऐसी चेकिंग की गई थी, सूचना मिली थी S9 कोच में कोई बम की सूचना मिली थी, लेकिन वहां जाके चेक किया तो एक व्यक्ति मिला है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, रहने वाला वो पुणे का है, अभी उसको उतार लिया गया है। ऐसा पूरी ट्रेन को बम डिस्पोजल स्क्वाड से जो है चेक करा दिया गया है, कोई बम वगैरह तो नहीं मिला है। उस व्यक्ति को उतारा गया है, उसको अभी थाने लेके गए, ट्रेन को रवाना कर दिया गया, सुरक्षित होने की वजह से। अब आगे पूछताछ करके खुलासा हुआ कि आज में क्या कुछ मिला है, कुछ एक पागल व्यक्ति मिला है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसके पास से एक बैग मिला है, बैग वगैरह चेक कर लिया गया है, ऐसा कुछ सामान नहीं मिला है जो डिस्पोजल जो बम की श्रेणी में आता हो। अब इससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी कि क्यों उसने ये सूचना दी, क्यों ये घटनाक्रम हुआ, उसको ले जाके अभी थाने में लेके पूछताछ की जाएगी। लगातार पुलिस बता रहा है जिस तरह से बम मिलने की जो धमकी मिली थी एक पागल जो व्यक्ति था उसके द्वारा बैग की सूचना दी गई थी और लगातार डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है यहां पर, लगातार अभी भी चेकिंग लगातार जारी है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ सनी मालविया, आईएनएस न्यूज भोपाल। तो झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह किसी ने उड़ा दी और जब पतासाजी करने की कोशिश की गई, पुलिस पहुंची वहां पर, तो S9 की कोच में जब देखा गया तो एक मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति भी मिला है, हालांकि उसे हिरासत में लिया गया है, उसे पूछताछ की जाएगी, लेकिन बम की अफवाह उड़ाने वाला ये पूरा मामला संदिग्ध जरूर लग रहा था। इसके बाद पूरी टीम यहां पर पहुंची और छानबीन की जा रही है, तो डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई, हालांकि पुलिस से जब बात करने की कोशिश की गई तो वे कहते हुए नजर आए कि ऐसा बम जैसा तो कुछ नहीं मिला है, हालांकि लगातार जांच की गई और उसके बाद झेलम एक्सप्रेस को रवाना भी कर दिया गया। तो भोपाल से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है, रानी कमलापति स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया, किसी संदिग्ध व्यक्ति ने यह सूचना दी कि बम है झेलम एक्सप्रेस में, उसके बाद आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पहुंचा, डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई और S9 कोच में जैसे ही वहां पुलिस पहुंचती है, जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था और वो थोड़ा सा मानसिक रूप से कमजोर भी था, हालांकि पूछताछ की गई है, उसे हिरासत में ले लिया गया है, पुणे की ओर वो जा रहा था और अब पूरे मामले की तफ्तीश आगे की जाएगी। तो झेलम एक्सप्रेस से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इसके पहले भी राजा भोज एयरपोर्ट पर बम की धमकी मिली थी, सूचना मिली थी, उसके बाद भी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा था और पूरी तरह से छानबीन की गई थी। इसके बाद स्कूल में भी बम की अफवाह किसी ने उड़ाई थी, हालांकि इसके बाद अब झेलम एक्सप्रेस में बम की अफवाह उड़ाई गई है। तो भोपाल से जुड़ा हुआ है पूरा मामला, जहां मौके पर हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, हालांकि डॉग स्क्वाड की मदद ली गई और अब देखना होगा छानबीन किस तरह से आगे पहुंचती है। सनी मालवी, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनी, क्या कुछ जानकारी, कैसे इस व्यक्ति ने क्या फोन पर सूचना दी थी या किस तरह से सूचना मिली पुलिस तक? जी निश्चित तौर पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन में झेलम ट्रेन में बम मिलने की
सूचना बीडीएस और डीएस डीसी पुलिस को मिली थी, जहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम, जीआरपी की टीम और डीआरएम के जो अधिकारी सब वहाँ पहुंच गए थे। सनी, जो व्यक्ति हिरासत में है, क्या इसी ने फोन पर सूचना दी थी या कैसे पुलिस तक बात पहुंची? जी निश्चित तौर पे बिल्कुल, जो व्यक्ति है पुणे का रहने वाला है, उसको हिरासत में ले लिया गया है। ये सूचना जो है झूठी निकली है, पर एक घंटे से ज्यादा अधिक समय तक डॉग स्क्वाड की टीम लगातार चेकिंग करती रही थी ट्रेन की। पुणे के रहने वाले व्यक्ति ने ये बम मिलाने की जो सूचना दी थी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया गया। जीआरपी के ने अफवाह फैलाने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया और बिल्कुल यात्री सुरक्षित है और ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। यात्री सुरक्षित है, ट्रेन को रवाना कर दिया गया, लेकिन इसके पहले कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं सनी, क्योंकि अभी एयरपोर्ट में भी ये कहा गया था कि बम की अफवाह है, फिर स्कूल से भी जुड़े हुए मामले सामने आए हैं, बम की अफवाह वहां पर भी उड़ी थी, क्या पुलिस इसमें संदिग्ध को पकड़ पाई? ये निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार धमकी मिल रही है, एयरपोर्ट को ही मिली थी और लगातार जेलम ट्रेन में जो सूचना मिली उसके बाद अब जो है रानी कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन में जो है पुलिस बल और सख्ती बढ़ा दी गई है, लगातार यात्रियों की चेकिंग की जा रही है और लगातार जिस तरह से पुणे से रहने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया है उससे पूछताछ की जाएगी, पूछताछ में क्या कुछ कार्रवाई है वो जीआरपी के तहत की जाएगी। बम मिलने की धमकी मिली है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रानी कमलापति स्टेशन पे, आप देख सकते हैं जीआरपी के अधिकारी, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ से ट्रेन रवाना हो गई। इससे पहले डॉग स्क्वाड की टीम ने जो है इस ट्रेन की चेकिंग की गई थी, देख सकते हैं लगातार अधिकारियां जो है जीआरपी के वो मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे किस तरह से सर चेकिंग की गई थी। थाना प्रभारी से पूछो ना, बम से मिलने की धमकी मिली है, अफवाह मिली थी, ऐसी चेकिंग की गई थी, सूचना मिली थी S9 कोच में कोई बम की सूचना मिली थी, लेकिन वहाँ जाके चेक किया तो एक व्यक्ति मिला है जो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है और उल्टी सीधी बातें कर रहा है, रहने वाला वो पुणे का है, अभी उसको उतार लिया गया है, ऐसा पूरी ट्रेन को बम डिस्पोजल स्क्वाड से जो है चेक करा दिया गया है, कोई बम वगैरह तो नहीं मिला है, उस व्यक्ति को उतारा गया है, उसको अभी थाने लेके गए, ट्रेन को रवाना कर दिया गया, सुरक्षित होने की वजह से अब आगे पूछताछ करके खुलासा हुआ कि आज में क्या कुछ मिला है, कुछ एक पागल व्यक्ति मिला है, मेंटली डिस्टर्ब है, उसके पास से एक बैग मिला है, बैग वगैरह चेक कर लिया गया है, ऐसा कुछ सामान नहीं मिला है जो डिस्पोजल जो बम की श्रेणी में आता हो, अब उससे अग्रिम पूछताछ की जाएगी कि क्यों उसने ये सूचना दी, क्यों ये घटनाक्रम हुआ, उसको ले जाके अभी थाने में लेके पूछताछ की जाएगी। लगातार पुलिस बता रहा है जिस तरह से बम मिलने की जो धमकी मिली थी, एक पागल जो व्यक्ति था उसके द्वारा बैग की सूचना दी गई थी और लगातार डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची है यहां पर, लगातार अभी भी चेकिंग लगातार जारी है। कैमरामैन श्रीकांत झा के साथ सनी मालवीय, INS News भोपाल।